मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर हुई बीजेपी की दो दिवसीय चिंतन बैठक का कुंभलगढ़ में समापन हुआ। आपको बता दें कि दो दिन तक चली चिंतन बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश संगठन के कामकाज संभाग और जिलेवार समीक्षा की, साथ ही संगठन को ज्यादा मजबूत करने और मिशन 2023 की रणनीति को लेकर चर्चा की। बीएल संतोष ने आगामी दिनों में संगठनात्मक गतिविधियों का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। बीएल संतोष ने पार्टी में चल रही गुटबाजी को खत्म कर एकजुटता होकर कांग्रेस को घेरने का मंत्र भी दिया। वहीं चिंतन बैठक में सशक्त मंडल अभियान और सेवा समर्पण अभियान सहित संगठन के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं 2023 विधानसभा चुनावों में सीएम फेस के सवाल पर सतीश पुनिया ने कहा कि पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं। देखिए, जगह का अपना महत्व होता है। कुंभलगढ़ को चुनने का कारण ये था, महाराणा कुंभा का और ये अजय किला, और जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ वो धरती अपने आप में आस्था का बड़ा केंद्र है, और आस्था के केंद्रों पे ऊर्जा मिलती है। हम जिस परंपरा के लोग हैं, जो राष्ट्रवाद को और अंत्योदय को मानते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के जो यहाँ जो लोग थे उनको एक नई ऊर्जा मिली है, और उसका काम पार्टी और समाज के काम आएगा ही। यह 2023 का रोडमैप तैयार हुआ है। निश्चित तौर पर इस कुशासन से राजस्थान के लोगों को मुक्ति करने के लिए योजना बनी है। पूरी डिटेल में बात अध्यक्ष जी अभी ब्रीफिंग करेंगे। आंदोलन को लेकर क्या रणनीति बनी, क्या निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे, और सारी योजना बन गई, अभी ब्रीफिंग करने के लिए आपको बुलाया गया। मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में मानसिक विक्षिप्त युवक ने चार मंजिला होटल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। हेड कांस्टेबल उमराव सिंह ने बताया कि हरियाणा निवासी जितेंद्र जाट परिजनों के साथ मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए आया था। यहां वे अंजनी धाम धर्मशाला में ठहरे हुए थे। इसी दौरान जितेंद्र जाट मुख्य बाजार में एक होटल के ऊपर चला गया और छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि आत्महत्या की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच की जा रही है। बाड़मेर के समदड़ी में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा एक युवती को भुगतना पड़ा है। दरअसल बात यह हुई कि पाबुपुरा गांव निवासी युवती ऊकी भील अपनी बकरियां चरा रही थी, जहां लटक रही विद्युत लाइन की चपेट में आने से युवती बुरी तरह से झुलस गई। ऐसे में ग्रामीणों ने निजी वाहन से सीएचसी समदड़ी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जोधपुर उसको रेफर किया गया। ऐसे में पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जोधपुर शहर में नगर निगम के कर्मचारियों ने रातानाडा थाना के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान निगम कर्मचारी से मारपीट का विरोध भी किया गया। दरअसल नगर निगम कर्मचारी नेमीचंद अपने सहयोगी के साथ सांसी बस्ती में घर घर कचरा संग्रहण के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान राहुल सांसी नाम के एक युवक ने मामूली विवाद के बाद नेमीचंद के साथ मारपीट की और उसका सिर फोड़ दिया। इस घटना के बाद निगम के कर्मचारियों ने थाने के सामने विरोध दर्शन किया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जब गाड़ी कचरा लेने के लिए गई तो वहां सांची कॉलोनी के अंदर राहुल पुत्र कालूराम जो लड़का है वो कचरे को उठाने के संदर्भ में लड़ाई झगड़ा करने लग गया और हाथापाई करने लग गया, और फिर उसके बाद में वो पीछे से मतलब सरिया लेके आया और वाहन चालक जो है नेमीचंद सरगरा उसके पीछे से मतलब सर के ऊपर वार किया, जिससे सर फट गया। और अजीतगढ़ के शाहपुरा रोड स्थित नेहा इंडस्ट्रीज से थ्रेसर बनाने का सामान चोरी करने वाले मुनीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजीतगढ़ थाना प्रभारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि 16 सितंबर को फैक्ट्री मालिक सुभाष चौधरी ने चोरी का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।
निवाई की बरौनी पुलिस को शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तकनीकी माध्यम से पिछले दिनों बरथल तिराहे से पिकअप चोरी के आरोपी में एक बाल अपचारी को अनिरुद्ध कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी जगदीश मीणा ने बताया कि 27 जुलाई को शंकरलाल जाट निवासी रजवास ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि बरथल तिराहे से उसकी पिकअप चोरी हो गई। इस मामले में पुलिस ने पिकअप बरामद कर ली, साथ ही आरोपियों को भी दबोच लिया। दिनांक 27 जुलाई 2021 को रात को हमने हाईवे पे अज्ञात चोरों ने पिकअप में भागले से भरी हुई को चोरी के नीयत से भगा के ले गए थे। इनको बाद नाकाबंदी पिकअप को बरामद कर लिया था, पर पिकअप में सवार चोर उसमें मोबाइल भी चोरी हुआ, उसको लेकर के वहाँ से फरार हो गए। इनको फिर मैंने एसपी साहब के निर्देशन में और डिप्टी साहब और एडिन साहब के सुपरविजन में एक टीम गठित कर जो फरार चोर थे उनकी पीछा किया गया। तकनीकी सहयोग के आधार पर तीन मुलजिम को इस पिकअप चोरी में गिरफ्तार किया है। लाला राम मीणा गुड्डा निवासी है और अजय मीणा यहाँ पे बोड़ी के हैं और साथ में एक औपचारी बालक भी निरुद्ध हुआ। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नेशनल हाईवे 911 पर ओवरब्रिज धस गया। गनीमत रही ओवरब्रिज धसने से कोई जनहानि नहीं हुई। भारतमाला योजना के अंतर्गत ओवरब्रिज कुछ माह पूर्व ही बना था। निर्माण ठेकेदार मौके पर पहुंचकर ओवरब्रिज को दुरुस्त करवा रहे हैं। लगता है जैसे कि इसके अंदर बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आया था देखने के लिए। विदाई लेता हुआ मॉनसून सिरोही के लिए अच्छे संकेत दे रहा है और माउंट आबू में पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। माउंट आबू में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से 24 घंटों में माउंट आबू में 4.5 इंच पानी गिर चुका है, जिससे शहर में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नक्की झील ओवरफ्लो हो चुकी है। वहीं मुख्य पेयजल स्रोतों की बात की जाए तो अपर कोदरा और लोअर कोदरा में 9 फुट तो वहीं ऊपर कोदरा में 11 फुट पानी आना शेष है। ऐसे में माउंट आबू के पेयजल की समस्या से निजात मिल सकेगी। वहीं नक्की झील पर चादर चलने से लोग नक्की झील पहुंच रहे हैं और सुंदर नजारों का निहार रहे हैं। माउंट आबू में कैसी बारिश हुई है? आज रात से माउंट आबू में बारिश का दौर चालू है और बहुत अच्छी बारिश, कम से कम 3 से 4 इंच बारिश अभी तक हो चुकी है और अभी कंटिन्यू चालू है। अभी आप सुबह सुबह खूबसूरत झरने को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, आपको कैसा फील हो रहा है? एकदम बिल्कुल बहुत स्विट्जरलैंड बना हुआ है इस वक्त माउंट आबू, चारों तरफ हरियाली है, झरने चल रहे हैं, बादल है। भरतपुर के बयाना में दिन भर भीषण गर्मी के बाद देर शाम मौसम का मिजाज बदल गया और जमकर बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। तो वहीं दूसरी ओर तेज बारिश के चलते आपको बता दें गली मोहल्लों और बाजारों में पानी भर गया। कस्बे के जवाहर चौक पर भी बारिश का पानी जमा हो जाने से व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये भी आपको बता दें कि अचानक हुई तेज बारिश के चलते नगर पालिका प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई। बांदीकुई उपखंड क्षेत्र में हुई तेज बारिश के चलते किसानों की फसल चौपट हो गई है। आपको बता दें कि इन दिनों क्षेत्र में बाजार की जो फसलें कटाई का बाजरे की फसल की कटाई का काम चल रहा है, ऐसे में तेज बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया। साथ ही बारिश के चलते फसल कटाई नहीं होने से खराब होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में बांदीकुई क्षेत्र के किसानों में मायूसी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर उपखंड क्षेत्र के नालों में पानी नहीं समाने पर
पर बारिश का पानी सड़कों पर बहता हुआ नजर आया। ऐसे में तेज बहाव के पानी को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। सुमेरपुर पंचायत समिति के बसंत ग्राम पंचायत क्षेत्र में पिछले लंबे समय से नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है। इस कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। बसंत ग्राम पंचायत के बाहर और मुख्य सड़क मार्ग पर गंदगी के ढेर पड़े हैं। इससे हर समय वाहन चालकों को दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यह ग्राम पंचायत के स्वच्छ भारत अभियान को धता बता रहा है। गाँव में नालियों की समय समय पर सफाई नहीं होने के कारण मच्छरों की भरमार हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा सफाई व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी गांव में सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। ग्राम विकास अधिकारी मुकेश व्यास ने बताया कि गांव के मुख्य मार्गों पर जो गंदगी के ढेर पड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी हटाया जाएगा, वहीं नालियों की सफाई जल्दी से जल्दी गांव में की जाएगी। तखतगढ़ कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संख्या 2 के कॉलेज भवन में मर्ज किया गया है। आपको बता दें, इसके बाद नगर पालिका की ओर से भवन में सफाई और रंग रोगन का कार्य कराया जा रहा है। इस कड़ी में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय तखतगढ़ के पहले कला सत्र के लिए पहली वरीयता और आरक्षित सूची जारी कर दी गई है। महाविद्यालय के नोडल प्राचार्य आईदान सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ऑनलाइन मिले आवेदन की प्रतिशत के आधार पर वर्गवार और तय सीटों के अनुसार वरीयता सूची तैयार की गई है। इसमें सबसे अधिक कट ऑफ जनरल की 78.60 रही, साथ ही सबसे कम एसटी वर्ग की 45% रही। इसी प्रकार प्रथम प्रतीक्षा वरीयता सूची जनरल कैटेगरी की 49.40% रही। नोडल प्राचार्य के अनुसार महाविद्यालय में मूल दस्तावेजों का सत्यापन बुधवार से शुरू हो गए हैं। यह कार्य शनिवार तक जारी रहेगा। बधाई देना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट घोषणा में जो नवीन कन्या कॉलेज अपने तखतगढ़ में प्रारंभ किया जा रहा है, उसके ऑनलाइन जो प्रवेश प्रक्रिया है, मेरिट्स जो जारी करने का कार्य सत्यापन हमने कर दिया था, और 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हमें विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं। और वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ जो आवंटित हैं अस्थायी भवन, वहाँ पर मैं और मेरे कार्मिक हैं, हम दोनों यहाँ पे सत्यापन कर रहे हैं। लगभग अभी तक 137 जो है प्रविष्ट हैं विद्यार्थी, उन सभी का सत्यापन होगा। जनरल की मेरिट 78 गई है, उसमें कुछ बच्चे वेटिंग में हैं, लेकिन वेटिंग के बच्चों के भी हम भौतिक सत्यापन करेंगे और वो ई मित्र पे फीस भरेंगे। मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा की ओर से सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत पाली के सुमेरपुर में विधायक जोराराम कुमावत और नगर पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़ के नेतृत्व में सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे में जितेंद्र कुमार रावल की उचित मूल्य की दुकान पर पात्र परिवारों को निःशुल्क गेहूं का वितरण किया गया, तो वही कामधेनु गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया गया। इस दौरान भाजपा नेता अनूप सिंह राठौड़, छगन सेन, नरेंद्र परिहार, पूनम सिंह परमार समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को था, और इस उपलक्ष में भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह मना रही है, और सेवा सप्ताह के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं ने आज गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के तहत राशन डीलर के यहाँ जाकर के लाभान्वित परिवारों को अन्न देने का काम किया। सीकर के दांतारामगढ़ में 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को व्यवस्थित रूप से आयोजित कराने को लेकर प्रशासन चौबंद व्यवस्था करने में जुट चुकी है। आपको बता दें, प्रशासन ने परीक्षा आयोजन कराने को लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली है। दांतारामगढ़ ब्लॉक में 36 परीक्षा केंद्रों पर करीब 10,000 से अधिक परीक्षार्थी भाग लेंगे। इसी को लेकर एसडीएम राजेश मीणा ने अधिकारियों और समाजसेवी संस्थाओं की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें एसडीएम ने बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के रात्रि विश्राम और भोजन पानी की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। एसडीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि अभ्यर्थी के साथ आदरपूर्ण
पूर्ण व्यवहार करे। एसडीएम ने खाटू श्यामजी, थानाधिकारी रिया चौधरी, दांतारामगढ़ एसएचओ हिम्मत सिंह और लोसल एसएचओ सज्जन कुमार को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और इलाके में कड़ी सुरक्षा रखते हुए परीक्षा आयोजित कराई जाए। राज्य सरकार ने इसे अत्यावश्यक सेवा में घोषित किया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। तो ब्लॉक स्तरीय जो कमेटी, जो रेड क्रॉस संचालन कमेटी है, उसकी मीटिंग आज आहूत की गई है। और इसके अतिरिक्त इस मीटिंग के अंदर जो परीक्षार्थी 25 तारीख को आने हैं, यहाँ पर लगभग 10,000 के करीब बच्चे यहाँ आने, तो उनके रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उनके ऊपर भी काफ़ी विस्तृत रूप से हमने चर्चा की गई है। और इसके अलावा अन्य कानून व्यवस्था संबंधी जो मुद्दे हैं या फिर यातायात संबंधी मुद्दे हैं, उनके भी, उनके संबंध में काफ़ी लंबा डिस्कशन किया गया है। मानसूर की महनपुर ग्राम पंचायत की ढाणी गराल निवासी 13 वर्षीय गिरराज गुर्जर 13 सितंबर को पहाड़ पर खेलने गया था, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। इसको लेकर आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने एसडीएम राकेश मीणा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर किशोर को बरामद करने की मांग की है। इस पर एसडीएम और डीएसपी ने लापता किशोर को 10 दिन में बरामद करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में परिजनों ने 14 सितंबर को गुमशुदगी का मामला बांसूर थाने में दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष बना हुआ है। जो नाम का लड़का है, वो लड़का 13 तारीख से गायब है। 13 तारीख से लेके आज तक हमने 14 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। 14 तारीख से बाद में एक बार पहले पुलिस घर गई है। पुलिस की ढिलाई से वहाँ के ग्रामीणों में सब में रोष था। उस बच्चे की कोई खोज नहीं चली, कोई उसकी पैरवी नहीं हुई। बुहाना उपखंड क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं ने भारतीय सेना की ओपन रैली भर्ती झुंझुनू में आयोजित कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश गजराज के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी सुनील कुमार चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन बीआरओ झुंझुनू और थल सेना के डीजी रिक्रूटमेंट के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि झुंझुनू जिले के देश के सर्वाधिक सैनिक हैं, यहाँ के युवा सेना में जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कोरोना महामारी के चलते 2021 से झुंझुनू में ओपन रैली भर्ती नहीं की गई है। युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए झुंझुनू में आयोजित होने वाली भर्ती में 2 साल की छूट प्रदान की जाए। ज्ञापन के माध्यम से अविलंब भर्ती आयोजित कराने की भी मांग की गई। भारत की सेना की जो ओपन रैली भर्ती झुंझुनू जिले में हर वर्ष आयोजित होती थी, वो वर्ष 2019 के बाद में आयोजित नहीं की गई है। तो इस मांग को लेकर के कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर सैनिक कहीं हैं तो वो झुंझुनू ज़िले में है, और उसी ज़िले में पिछले 2-2.5 बरस से अगर सेना की भर्ती नहीं होती है तो बड़ी तकलीफ़ की बात है। आज उपखंड के समस्त नौजवान एसडीएम बुहाड़ा के मार्फत डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट भारतीय सेना नई दिल्ली के नाम से एक ज्ञापन हमने दिया है। धौलपुर के कंजरपुर कस्बे का सरकारी अस्पताल इन दिनों चिकित्सा कर्मियों की मनमानी के कारण अव्यवस्था की भेंट चढ़ रहा है। अस्पताल में चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ सहित 20 कार्मिक तैनात हैं, लेकिन एक कर्मचारी को छोड़कर चिकित्सक और अन्य स्टाफ समय से नहीं आ रहा है। बुधवार सुबह 9:15 बजे तक एक कंपाउंडर और एक चिकित्सक ही अस्पताल पहुंचे थे, शेष समस्त स्टाफ देरी से भी अस्पताल नहीं पहुंचे। अस्पताल पहुंचे रोगियों का आरोप है कि कंचनपुर अस्पताल के हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत कर स्टाफ की तैनाती की गई है, लेकिन चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों की मनमानी की वजह से ग्रामीणों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सर्कुलर की बात की जाए तो सीएचसी पर चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ मुख्यालय पर ही रोकने के लिए पाबंद है, लेकिन एक आशा सुपरवाइजर को छोड़कर कोई भी चिकित्सा कर्मी अस्पताल में नहीं रुक रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र की प्रसूताओं और हादसों में घायल होकर आने वाले लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा है।
खबर सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी क्षेत्र से है, जहां डोब गांव में शिक्षक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। राजस्थान शिक्षक संघ के बैनर तले सभी शिक्षकों ने कमलेश मीणा के खिलाफ एसडीएम और एडिशनल एसीपी को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार मीणा ने बताया कि 20 सितंबर को विद्यालय परिसर में कमलेश मीणा शराब का सेवन कर स्कूल में आया और प्रधानाध्यापक धनफूल बैरवा के साथ मारपीट कर दी। साथ ही शिक्षक किरण बैरवा के साथ जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने लगा। ऐसे में स्कूली स्टाफ ने मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की। मारपीट की थी एवं मैडम को भी जाति सूचक शब्दों से उसे गाली दी थी, तो उसके विरोध में हम ज्ञापन दे आए हैं डीपी साहब को, और उसके गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त कड़ी सजा देनी चाहिए, और हमारे स्टाफ में उनकी वजह से बेपर्याप्त है तो उनको भी सुरक्षा प्रदान करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।